लगे ही पंप हाउस है, वहीं से सारा पानी ऑपरेट होता है, लेकिन कोई उनको खबर भी नहीं देता कि यहाँ का पानी रोक दीजिए। इसका यूज केवल छठ पूजा आया तो लोग इधर से जाते हैं तो दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए चालू कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूँ अभय प्रियदर्शी। फिलहाल हम पटना के दानापुर अनुमंडल कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिल गया जो हमने सोचा हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए। मैं चाहूँगा कैमरा के जरिए कि यहाँ पे दिखाया जाए किस तरीके से यहाँ नल का टूटा हुआ है, नल जो है टूटा हुआ है और लगातार पानी जो है वो यहाँ रिस रहा है। देखने से यह नज़ारा लग रहा है कि यह आज का नहीं, सालों से ऐसे ही नल टूटा हुआ है। और आप इसके चारों ओर देख सकते हैं जिस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं वो उगे हुए, ये देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो कोई उगाए नहीं गए हैं, ये अपने आप उग गए हैं, ये जंगली पौधे हैं। और जो लगातार पानी है वो रिस रहा है। कई सरकार जो है कई बार लोगों को जागरूक करने के लिए एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करती है कि जल ही जीवन है, बूंद बूंद जल कीमती है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जिस तरीके से जो पानी है वो लगातार रिस रहा है। पंप हाउस यहाँ ठीक यहाँ बाएं साइड में पंप हाउस है, इसके बावजूद यहाँ पानी रिस रहा है। मेरे दाएं ओर देखिएगा कि अनुमंडल कार्यालय का मेन गेट है, यहाँ अधिकारी जो हैं वो लगातार आते जाते होंगे, लेकिन किसी ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि कब से यह पानी रिस रहा है। फवारा केवल नाम के लिए है, कभी यहाँ पे कभी उत्सव होता है जैसे दीपावली या छठ होती है तो कभी कभार काम करता है, नहीं तो कभी इसकी साफ़ सफाई भी नहीं होती। देखने से तो लगता है कि 2-3 साल से इसका भी काम ही नहीं किया। हाँ, कभी साफ़ सफाई होती नहीं है इसकी, जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है। और बहुत सारे यहाँ पे जो कभी कभार गाय भैंस घुसा देते हैं लोग, तो इसी पानी का यूज़ करते हैं लेके। अच्छा, नल टूटा हुआ है, वहाँ पे लगातार पानी जो है रिस रहा है। जल बचाओ इस तरह का बहुत सारा अभियान चला है, अब बताइए इस तरह से जल लगातार बह रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में बचने देगा, फ्यूचर में हमारे जो आएंगे यंगस्टर उनके लिए भी बचेगा? हमें तो नहीं लगता कि जिस तरीके का काम ऐसे हो रहा है तो पानी बच पाएगा। हमारे लिए ही हम ही बड़े आगे के भविष्य हैं, लेकिन हमें नहीं लगता। और आप देख सकते हैं आगे ही पंप हाउस है, वहीं से सारा पानी ऑपरेट होता है, लेकिन कोई उनको खबर भी नहीं देता कि यहाँ का पानी रोक दीजिए। और कभी आप जानते होंगे बारिक में इधर जो अभी सील किया हुआ है वहाँ पे एक नल लगा हुआ रहता था, तो सुबह के टाइम और शाम के टाइम पानी आने का वहाँ पे फिक्स टाइम रहता था, लेकिन कभी वहाँ का नल का काम ही नहीं करता था या फिर कभी उसमें से पानी ही नहीं आता था। उस समय भी ये नल का चालू रहता था और इसमें से हमेशा पानी गिरा रहता था। तो हमने भी कभी बार ट्राई किया पंप हाउस वालों को बोलने का कि यहाँ का नल का पानी बंद कर दीजिए। एक बार तो इतना मतलब बुरा हालत था कि ये पूरा पानी से उसी का पानी ओवरफ्लो होकर पूरा यहाँ पर फैला हुआ था। शायद 1-1.5 साल से तो है ही, क्योंकि और इसका यूज केवल छठ पूजा आया तो लोग इधर से जाते हैं तो दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए चालू कर दिया जाता है और फिर ऐसे ही चलते रहता है। जिस तरह से वहाँ पे पेड़ जमा हुआ है जी, पेड़ ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर पेड़ लगाया नहीं गया, जंगली पौधा है और काफ़ी दिन से उगा हुआ, लगभग 2-3 साल मेरे ख्याल से। जी जी जी, ये पेड़ मतलब लगाया नहीं गया, ये ऐसे ही उग गया है, कोई आदमी उदमी आया होगा, कुछ बैठा होगा या अपने आप उग गया है, लगाया नहीं गया और इसका देखभाल भी कुछ होता नहीं है, ऐसे ही कोई बड़ा हो रहा है कोई छोटा हो रहा है। और इसके कारण यहाँ पर जानवर आते हैं और जानवर बैठ जाते हैं, गोबर कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, गवर्नमेंट जो है कई बार एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करती है कि एक एक बूंद का कितना महत्व है पानी का, इस तरह से अनुमंडल के ठीक गेट पे ये होना, क्या लगता है? देखिए, मेरा मानना है किसी को सिखाने से पहले खुद सीखना जरूरी है। अगर सरकार दूसरे को सिखाने से पहले अगर खुद उस चीज़ का पालन नहीं करेगा तो हम लोग उस चीज़ को पालन करने में थोड़ी ना मतलब हम लोग भी छोड़ देंगे, क्योंकि कोई अगर किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है तो उस चीज़ को लोग पालन नहीं करता है। हमारा ऐसा मानसिकता है कि अगर हमारे ऊपर कोई कानून का दबाव नहीं बनेगा तो हम उस चीज़ को पालन नहीं करेंगे, हमें पता है वो गलत है तो पर भी पालन नहीं करेंगे। तो इसमें गलती सरकार की भी है और हमारी भी है। हम लोग देख के बहुत लोग देख के अनदेखा करते हैं, बोलते नहीं हैं, और वो लोग भी देख के अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनके कुछ कंप्लेन करने नहीं आता है। अगर हम लोग कंप्लेन ना करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे और लोग देखेंगे भी तो वो लोग काम ऐसे नहीं है करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ सालों से यही स्थिति बनी हुई है, ना कोई देखने वाला है, जो पानी है वो लगातार रिस रहा है, लोग इसकी शिकायत कर भी चुके हैं, इसके बावजूद कोई ध्यान देने वाला नहीं है।
खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें निशन न्यूज़। नमस्कार।